बेगूसराय पुलिस ने किराए के मकान में छापेमारी कर एक महिला किराएदार को 3 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्वर्ण कार के यहाँ डकैती की योजना बनाई जा रही है और जब पुलिस ने बड़े अपराधियों की छानबीन शुरू की तो अपराधियों के संपर्क एक महिला से निकला। पुलिस ने महिला की पहचान कर महिला के नगर थाना क्षेत्र स्थित विश्वनाथ नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रही महिला के घर छापेमारी की तो वहाँ से पुलिस को 3 हथियार और कारतूस बरामद हुआ है, जिसके बाद महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार महिला अंकिता कुमारी गढ़पुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो शहर में एक किराए के मकान में रह रही थी और बड़ी बड़ी अपराधियों के संपर्क में थी। बदमाश महिला के संपर्क में रहकर कई आपराधिक घटनाओं को योजना बना रहे थे, जिसमें महिला भी शामिल थी। एक स्वर्ण आभूषण दुकान में डकैती की योजना फिलहाल बनाई गई थी, इसके लिए हथियार महिला के घर जमा किए गए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही महिला को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सरकार के यहाँ डकैती की योजना कुछ अपराधी बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसको ससमय विफल कर दिया है। देखिए, मैं आपको इसमें बताऊं कि हाल के दिनों में कुछ कुख्यात पेशेवर अपराधी बेगूसराय पुलिस ने पकड़ के जेल भेजे थे। हम लोगों ने कई घटनाओं को उद्भेदन भी किया था उसके बाद, तो उन लोगों के जो लिंक थे, उन लोग से जो जानकारियाँ हम लोग को मिली थी पूछताछ पे, उस पे काम करने के लिए SDPO सदर अमित के नेतृत्व में एक विशेष टीम काम कर रही थी। और जब हम लोग ने विश्लेषण किया पूरा डेटा का, तो एक बड़ी उसमें चौंकाने वाली चीज़ मिली कि एक उसमें महिला थी जो लगभग सभी से संपर्क में थी किसी न किसी रूप से। उस महिला की पहचान हुई है, उसका नाम अंकिता है, 28 साल की है, ये वैसे तो गढ़पुरा की रहने वाली है, लेकिन टाउन थाना अंतर्गत एक दीपसिका सिनेमा हॉल है उसके पास ये मकान में एक कमरा लेकर रह रही थी। कल SDPO सदर और महिला जो पुलिस है हमारी, उसके नेतृत्व में कल उस घर पर छापेमारी की गई, तो वहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। करीब 3 देसी पिस्टल मिले हैं पुलिस को वहाँ से और 6 राउंड जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके बाद महिला को विधिवत वहाँ से लाया गया है, उसे पूछताछ की गई है। अब पूछताछ में उस महिला ने ये बताया है कि और भी कई अपराधी हैं जिसके साथ ये लगातार संपर्क में है, ये उनके साथ मिलकर अपराध की प्लानिंग भी कर रही है, उन अपराधियों का हथियार भी अपने यहाँ रखती थी, क्योंकि महिला है अपने घर में हथियार रखेगी तो किसी को शक नहीं होगा, तो इस कारण से भी कई अपराधी इसके यहाँ हथियार रखते थे। और वो अपराधी जो ये बड़ी डकैती की प्लानिंग कर रहे थे स्वर्णकार के यहाँ, उसमें ये महिला भी शामिल थी और किसी न किसी रूप से ये भी उसमें प्लानिंग में अपना हिस्सा पूरा कर रही थी। तो जब ये सारी सूचनाओं को हम लोग ने वेरीफाई कर लिया, कल उसके बाद वहाँ छापेमारी हुई है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, तो इससे एक बहुत बड़ी घटना हमारे जो टाउन एरिया में होने से रुक गई है। और भी पूछताछ में महिला का जो मोबाइल फ़ोन है उसको चेक करने के बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग को मिली है, जिस पर मैंने टीम को काम करने का निर्देश दिया है। तो SDPO सदर अमित, टाउन थाना अध्यक्ष और हमारी टाउन थाना की कुछ महिला बहादुर सिपाही हैं, जिन्होंने कल जो घर की पूरी सर्चिंग की है, उसमें बड़ा ही स्मार्टली और बहुत ही चतुराई से इन लोगों ने काम किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। और अपराध नियंत्रण की दिशा में आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा। इस महिला का किस तरह के अपराधियों से इसका संपर्क था, सिर्फ बेगूसराय में या बाहर में भी? देखिए, बेगूसराय में जो हमारा टाउन एरिया है उसमें कुछ लोग हम लोग अभी भी वांटेड हैं, उनके साथ इसका संपर्क निकला है। और बेसिकली जो अभी तक समझ में आया है कि लूट की घटना करना, डकैती की घटना करना, स्पेशली ऐसे लोगों के यहाँ जिनके यहाँ भारी मात्रा में जो कैश का आदान प्रदान होता है, उन लोग की इन लोगों ने रिकी करके रखी हुई थी और इन हथियारों का प्रयोग उसी काम के लिए होने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने ऐसा समय रहते इस पूरी घटना को फेल कर दिया है।